गुज्जू पटाका सत्य प्रेम की कथा का थर्ड सॉन्ग गाइस, म्यूजिक एंड साथ में गाइस सिंगर मीट ब्रोड गाइस, सुपर गाइस सुपर। सबसे पहले गाइस अगर मैं इसी थर्ड सॉन्ग की बात करूं एज अ कंपेयर, पिछले दो सॉन्ग मुझे सबसे बेस्ट सॉन्ग लगा गाइस। एक क्योंकि देखो पिछले सॉन्ग देखोगे आप इस तरह थोड़े रोमांटिक लव टाइप के थोड़े सॉन्ग है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा हम थोड़े दिनों में ज़्यादा देख चुके हैं, जो कि ये मेरे को थोड़ा यूनिक लगा है। यूनिक क्यों? इसलिए क्योंकि गाइस इस तरह सॉन्ग्स हैं मुझे लगता है कि चल सकते हैं। जैसे कि अक्षय कुमार की मूवी आई थी सेल्फी, उसमें एक सॉन्ग था थोड़ा भांगड़ा टाइप का, वो भी चला था। इसमें ये वाला सॉन्ग है भांगड़ा टाइप का, ये भी मुझे लगता है कि चल सकता है। इसे पब्लिक थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। इस सॉन्ग की बात गाइस तो सबसे पहले जो कार्तिक आर्यन का डांस है, लिटरली गाइस नहीं सोचा था किसी ने। धीरे धीरे यस्ट के टाइम जो कार्तिक आर्यन है गाइस ऐसे पौड़ी चल रहे हैं, जो सुपरस्टार की पौड़ी होती है ऊपर, वहाँ पे वो जाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लग भी रहा है कि वो सक्सेसफुल होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं आने वाले फ्यू डेज में। रीज़न गाइस उस बंदे के बीच पे मुझे हर एक टैलेंट है यस्ट के टाइम नज़र आ रहा है। आप डांसी स्टेप देखना, अब ऋतिक रोशन की बात करते थे सबसे पहले, आप जब ये सॉन्ग वॉच करोगे तो आपको इसमें ऋतिक रोशन है वो नज़र आएंगे। सॉन्ग में जिस तरह अभी हाल ही में सॉन्ग आया था किसी का भाई किसी की जान का, वो भी सेम इसमें जो पहनावा था उसमें भी सेम ऐसा ही पहनावा था, तो वो एंड इस सॉन्ग में आपको बिल्कुल भी फर्क है वो देखने को नहीं मिलेगा। आपको उसमें सलमान खान इसमें नजर आएंगे। एंड गाइस सीरियसली अब लास्ट में ये बोलूंगा, कार्तिक आर्यन शायद सीरियसली शॉकिंग मी। एंड अब उम्मीद करते हैं कि सत्य प्रेम की कथा जो मूवी आ रही है उनकी, वो अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस में हमें धमाका करती हुई नजर आ सकती है। एंड साथ में ये भी यार शहजादा करने की उनको कोई जरूरत नहीं थी, उसमें जब शहजादा मूवी आई भी थी तब मैंने उसका रिव्यू डाला था, मैंने बताया था उन्होंने थोड़ी ओवर एक्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पे कार्तिक आर्यन है, यानी उन्होंने जो मूवी वॉच की थी अल्लू अर्जुन की, तो उसमें वो पूरा का पूरा उसी कैरेक्टर में घुस गए थे, यानी जैसा उन्होंने किया था वो वैसे ही करने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट डालते तो मे बी वो वहाँ पे अच्छा वो एक्टिंग कर सकते थे। एंड जिस तरह भी जो उसके नंबर्स निकल के सामने आए थे उस टाइम पे, उसे थोड़े बेटर नंबर निकल के सामने आ सकते थे। बाकी गाइस वेट है इसका लगभग अभी कितने दिन बचे हैं, अभी 16-17 हो गए, लगभग 2 हफ्ते का अभी टाइम बचा है। 2 हफ्ते के बाद ये मूवी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बाकी इसके रिलेटेड आप सभी का क्या कहना है बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी गाइस आपको क्या लगता है कार्तिक आर्यन धीरे धीरे क्या इंप्रूव कर रहे हैं अपने स्किल्स में, वो ये भी बताना कमेंट सेक्शन। बाकी गाइस अभी के लिए इतना।